नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, मुझे वीडियो जो देनी है उसकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं कि ये मेरा उरहल जो आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया था लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, और मैंने आपसे फिटकरी की वीडियो शेयर की थी तो मैंने इस पर फिटकरी का उपयोग किया, और इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत फ्लावर दे रहा है, और भी ढेर सारे बर्ड्स इसमें आए हुए हैं। तो दोस्तों, फिटकरी की तो मैंने बात आपसे कर ली, अब जो मुझे आपसे शेयर करनी है उस फ्लावर को मैं आपसे दिखला रही हूँ। मुझे नर्सरी में इतना खूबसूरत लगा कि मैं इसे लेकर आ गई। आप देख ही रहे हैं कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स आए हुए हैं नन्हे से पॉट में। तो ये पौधा जो है आपका चिनार का है, तो चिनार का ये फ्लावरिंग प्लांट है जो झाड़ी नुमा होता है, इसको काट छांट करते रहनी पड़ती है। और इसको चूंकि मुझे पॉट में लगानी है तो पॉट में जो मैं सॉयल रखी हूँ उसका जिक्र कर लेती हूँ। ये जो सॉयल आप देख रहे हो इसमें मेरा 40% सैंड है और 40% मेरे खेत की सॉयल है, और कुछ मेरी पत्ते वाली आप देख रहे होंगे वो खाद है, और इसी में मैं इसको लगाऊंगी और साथ में इसके बारे में मैं चर्चा करती रहूंगी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे पॉलीथीन के अंदर रखा हुआ था, जो एक पॉट में करके इस तरह का पॉट आप देख रहे होंगे, इस तरह के पॉट में ग्रो किया गया था ताकि इसके रूट वगैरह जो हैं सो बाहर आ सके। अब इसको मुझे बहुत सावधानी के साथ इसको इससे बाहर करने होंगे। आप देख ही रहे हैं इसमें किस तरह से रूट चारों तरफ इसमें आए हुए हैं। बड़ी सावधानी से इसको इसमें से बाहर करने हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको इसमें से काट कर हटा ली है और ये इस तरह से इसके रूट आ गए हैं। अब इसको इसमें लगा देते हैं। अक्सर आपके प्रश्न आते रहते हैं कि जब मैं रिपोर्ट करती हूँ या प्लांट लाकर मार्केट से लगाती हूँ तो उसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस पर बार बार आपसे चर्चा कर रही हूँ, कमेंट में भी मैं आपसे जवाब देती हूँ कि वो ऐसा इसलिए होता है कि पौधे जब दूसरे जगह में दूसरी मिट्टी में जाते हैं तो इन्हें तकलीफ़ होती है। जैसे हम और आप अपना घर छोड़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे इनके साथ भी होता है, और इसलिए ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन आप डरा ना करें, ये मरते नहीं हैं, फिर ये जब अपने शौक़ से उबरते हैं तो फिर से ये नए पत्ते देते हैं। तो दोस्तों, ये इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको धूप में रखें, साथ ही आप इसको झाड़ीदार है काट छाट करते रहें, साफ इसको आप झाड़ी के रूप में भी लगा सकते हैं चाहे तो, और अपने गमले में भी लगा कर इसका आनंद ले सकते हैं। तो धूप के साथ इसमें पानी पर ख्याल रखें, पानी देनी है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपके जितने भी फ्रेंड हों, जो भी हों, रिलेटिव हों, उनको भी आप इसकी कटिंग को दे सकते हो। ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की बात करोगे तो फर्टिलाइज़र इसको महीने में एक बार या महीने दो महीने के बाद भी, डेढ़ महीने के बाद भी दे सकते हो। इसको कोई उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए। ऐसे जब पानी देते हैं तो थोड़ा सा ये क्या होता है, सॉइल नीचे की तरफ जाती है और फिर आपके पौधे थोड़े ऊपर आ जाते हैं, तो फिर से आपको अगर सॉइल की आवश्यकता दिखे तो आप इसमें सॉइल डाल सकते हो। इसके बाद इसमें मिली बग का प्रकोप आपको दिखाई देगा, उस हालत में इसमें नीम ऑयल का या और भी मैं पेस्टिसाइड बहुत सारा बताई हूँ, तो उसमें से किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग आप चाहो तो इस पर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मेरा ये फ्लावरिंग प्लांट कैसा लगा, जरूर आप
इस पर कमेंट करेंगे, इसकी सुंदरता के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी खूबसूरती ही इसे मेरे बगीचे तक खींच कर लाई है। और मैं चलती हूँ, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।